रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकी आंखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आंखों में बंदिया चल के आएगा। आदाब नाज़रीन, मैं शेख इमरान रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि करोना वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुका है, इसी के साथ साथ सारी दुनिया, जैसे कि दुनिया के बड़े मुल्क जापान, चाइना व दीगर मुकामात इससे काफ़ी मुतासिर हैं। इसी के साथ साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहां पर दिन ब दिन इसके केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, इसके अलावा ये वायरस है क्या? ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी इंसान के जिस्म में पहुंच जाए और जब कोई इससे मुतासिर हो जाए तब वो इंसान के ज़रिए दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है। जैसे अगर किसी को खांसी या सर्दी बुखार वो हो जाए तो वो इससे मुतासिर होता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स को शदीद बुखार, सर्दी, खांसी, गले में तकलीफ़, सांस लेने में दिक्कत अगर पेश आती है तो वो इससे मुतासिर शख्स है। बेहतर है कि वो जल्द से जल्द दवाखाने जाए, अपने टेस्ट करवाए और डॉक्टर से इसका मशवरा ले। इसके अलावा इस वायरस से जब कोई मुतासिर शख्स खांसता है तब इसके जिस्म से ये वायरस दूसरी जगह मुंतकिल होता है। कम से कम इस वायरस के निकलने की तादाद एक शख्स से 3 से 6 मीटर की दूरी तक ये वायरस उछलता है। और अगर ये वायरस किसी प्लास्टिक की अशिया, जैसे अगर किसी प्लास्टिक पे गिर जाए तो इसकी तादाद, इसकी उम्र या फिर इसकी ज़िंदगी 72 घंटे तक ये सर्वाइव करता रहेगा। जब तक कि इसको कोई छी ना ले तब तक वो इस पर कोई रद्द अमल नहीं होगा। अगर 72 घंटे तक वो वायरस को कोई हाथ तक ना लगाए वो, तब वो वायरस खुद ब खुद मर जाएगा। बेहतर है कि आप जबी भी अपने घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर मास्क, हाथों को अच्छी तरह ढक लें और जब आप घर वापस जाएं तब अपने हाथों को अच्छी तरह धोते जाएं। याद रहे ये वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ था, जहां पर चाइना ने अपने इस वायरस पर काबू करने में काफ़ी हद तक वो कामयाब है, मगर दीगर मुकामात जैसे इटली ने, इटली को दुनिया के तमाम ममालिक ने ये कहा था कि वो चाइना से आमद और रफ्त बंद कर दे, पर इटली ने किसी की बात ना सुनी और जिस तरह से सारी दुनिया इटली का आज हाल देखती है कि इटली में चाइना से ज़्यादा अफराद मौत के शिकार हो चुके हैं, जहां पर चाइना में 3,500 लोग इस वायरस से मौत का शिकार हो चुके हैं, वहीं पर इटली में 4,500 से अफराद इस वायरस की वजह से मौत का सामना कर चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, रियासती हुकूमत ने इस वायरस से बचने के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया है, जिसका आज निज़ामाबाद में 4th दिन है, जहां पर कई मुकामात पर, जैसे कि माइनॉरिटी इलाके में देखिए कि जहां पर लॉकडाउन किया गया है पर पब्लिक अभी तक अपने घरों से निकल रही है। इसको एक वायरस को इस वायरस से सबक नहीं सीख रही है। जैसे कि ये वायरस जितना ख़तरनाक है उसी तरह ये वायरस, अगर खुशखबरी की बात ये है
کہ وائرس ابھی اس نظام آباد میں داخل نہیں ہوا، مگر جس طرح یہاں پر انسانوں کی لاپرواہی ہے، کسی بھی وقت نظام آباد میں اس قسم کے پیشنٹس پائے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پوری طرح چالو ہے، پر یہاں پر عوام کا کافی آمد و رفت ہے۔ یہاں پر عوام گھروں سے نکل رہے ہیں پولیس والوں، جبکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ یہ لاک ڈاؤن، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بائک والوں کو پولیس والوں نے روک کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ریاست کو پوری طرح لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، وہ اس لاک ڈاؤن میں پولیس والوں کا ساتھ دے، اور اب آپ جبھی بھی گھر سے نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں۔ اور اس کے علاوہ یہ محکمہ پولیس صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، نہ کہ ان کا مقصد کسی عوام کو نقصان پہنچانا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نظام آباد کا معروف چوراہا، جیسے کہ مالا پلی چوراہے پہ موجود ہے، جہاں پر محکمہ پولیس کی جانب سے کافی معقول انتظامات کیے گئے۔ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بیریگیٹ کے ذریعے تمام روڈ کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور عوام کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عوام اپنے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہے۔ اور ہم روشنی ٹی وی کی جانب سے ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام گھر میں رہیں، سیف رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کل ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے 21 دن کے لیے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ لاک ڈاؤن 14 سے 15 مئی تک جاری رہے گا۔ ہم اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ریاستی حکومت کا ابھی اعلان باقی ہے، ریاستی حکومت اس پر کیا اقدامات لیتی ہے یہ ابھی جاننا ہے۔ اسی کے ساتھ تمام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن فیلڈ میں تمام دواخانوں کے علاوہ پریس اور پولیس کے علاوہ عوام کو باہر نکلنے کی اجازت سے محروم رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ صبح 6 بجے سے شام کے 7 بجے تک تمام مارکیٹ، جیسے کہ گوشت مارکیٹ، ترکاری مارکیٹ، دودھ وغیرہ جیسی اشیاؤں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف ابھی شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن رہے گا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی پبلک محکمہ پولیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائی جا رہی ہیں۔ محکمہ پولیس نے سمجھایا جا رہا ہے کہ عوام اپنے گھر سے نہ نکلیں، پھر بھی عوام پولیس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم روشنی ٹی وی کے ذریعے یہ بھی عوام کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے جو عوام ڈیلی مزدوری کر کر اپنا گھر چلاتے تھے، ان کی پوری طریقے سے آمدنی بند ہو چکی ہے۔ ریاستی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر راشن کارڈ ہولڈر کو 1500 روپے اور 12 کلو چاول دیں گے، اعلان کیا گیا ہے۔ جلد سے جلد 2 سے 3 یوم میں اس کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی نوجوان نظام آباد کی جانب سے، کئی سیاسی قائدین کی جانب سے بھی غریب غربا کی مدد کی جا رہی ہے۔ ان کو مالی امداد اور کھانے کی اشیاء اور کھانا اپنے گھروں سے پکا کر صاف ستھرا ماحول بنا کر عوام کو گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ روشنی ٹی وی کی جانب سے ہم ایسے افراد کو سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم روشنی ٹی وی کی جانب سے آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جبھی بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ فیس پر ماسک، اور اسی کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور اپنے آپ کو سیف رہے، احتیاط برتیں، کیونکہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شیخ عمران روشنی ڈی کی جانب سے کیا کر کے آپ کے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ اس علاقے میں ہم بہت بار آئے، کئی طرح کی میٹنگ رکھی۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اویئرنیس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ آ رہا ہے، ہر چینل پہ آ رہا ہے، پوری دنیا میں کرونا وائرس نام کا خطرہ چل رہا ہے۔ اس کو کچھ لوگ کووڈ-19 بھی بول رہے ہیں، کووڈ-19 بھی بول رہے ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں اچھی بات ہے، جو لوگ کو جانکاری نہیں ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानने के बावजूद बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, वहाँ से साउथ कोरिया, इटली, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, अमेरिका, दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में आज है। आज इसकी तादाद 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर चुका है, करीब 14,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में ये 4 तारीख को पहले 2 केसेस आए, आज हमारे केस करीब 500 के आसपास है, 496 के आसपास लगभग केस है। ये कोरोना वायरस जो है इसका अभी तक दुनिया में ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है, बुखार होता है, खांसी आती है और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर एक इंसान को ये वायरस लगता है तो 5 से 14 दिन तक उसे खुद ये बात मालूम नहीं होती। हमारे देश में ये कैसे आया, जो लोग बाहर से फॉरेन कंट्रीज से दूसरे देशों से आए हैं, हमारे अपने इंडियंस ही, उनके थ्रू ये आया और उसके थ्रू एक से एक फैलता गया। हमारे निज़ामाबाद में हज़ारों लोग हैं जो बाहर से आते हैं, कोई अमेरिका से, कोई दुबई से, कोई इंग्लैंड से, कोई फ्रांस से, कोई इटली से, और ऐसे हज़ारों लोग हमारे बीच भी रह रहे हैं जो पिछले 10-15 दिन में आए हैं। अब हम ये नहीं जानते कि उसमें से किस आदमी को ये वायरस है, किसको नहीं है, क्योंकि उसे खुद नहीं बता सकता। कुछ लोगों को लगा कि उन्हें जुकाम है, बड़ी बात नहीं है, एक दवाई ले ली ठीक हो गए। कुछ लोग अभी तक उन्हें कोई इस तरह का सिम्टम ही नहीं आया, उन्हें खुद ही नहीं पता है। हो सकता है वो 2 दिन पहले आए हैं दुबई से और आज उन्हें मालूम नहीं है, आज बाहर घूमते हैं, 4 दिन के बाद मिलते हैं। ये देखिए, जिस दिन वो आते हैं और जिस दिन 4 दिन के अंदर वो 400 लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। इटली में आज 60-70 हज़ार लोगों को है, अमेरिका में 40,000 लोगों को है, चाइना में 85,000 लोगों को है, इंडिया में ये 400 हो गया, महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा हो गया मुंबई के आसपास मिला के पिछले 7-8-10 दिन के अंदर। ये इतनी तेज़ी से फैलता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जो अपनी आदतें हैं मिलना जुलना कम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग 10-12 लोग खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली हम बात करते हैं, बिल्कुल नज़दीक होकर बात करते हैं। तो अगर हमें खड़ा होना एक दूसरे से बाहर निकलते हुए, तो कम से कम 3 फुट की दूरी पे। अभी इसको सोशल डिस्टेंस बोला जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का मतलब है कम से कम 1 मीटर की दूरी रह के बात करिए। पहली बात, आप देख रहे हैं लॉकडाउन 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 हर कोई बोल रहा है, कर्फ्यू हो गया। लॉकडाउन का मतलब है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, दो बच्चों के लिए दूध है या सामान है, दवाइयां हैं, वो सब जारी रहेंगी। किराना शॉप खुला रहेगा सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक। लेकिन किसी भी तरह की ऐसी गैदरिंग जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, चाय की दुकान जहां लोग 50 लोग 20 लोग बैठ के गुफ्तगू करते हैं, चाय पीते हैं, दिन की बातें करते हैं या बाहर बैठते हैं, इस तरह की चीज़ें बंद करनी होगी। अगर हमें अपने देश को, अपने आप को, अपने फैमिली को कोरोना से बचाना है, तो उसके लिए हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। नहीं तो आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ये 400 से 4,000, 4,000 से 40, और 1 महीने में 4 लाख हो जाएगा। आप खुद ही सोचें, क्या हमारे पास 4,000, 40,000, 4 लाख बेड हैं? क्या इतने हॉस्पिटल हैं? क्या सबको मेडिकल इतना मिल पाएगा? नहीं। अमेरिका जूझ रहा, अमेरिका अभी दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल देश है, कम से कम वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, लड़ रहा है लड़ाई, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन हो चुका है। लॉकडाउन का मतलब लोगों की जो गैदरिंग है बंद कर दी गई है। इसीलिए अगर कोरोना वायरस से हमें अपने को बचाना है, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है अभी तक। अगर आप पुरानी आदतें बरकरार रखेंगे, शाम को बाहर निकलेंगे चाय पीने, दुकान में इकट्ठे निकलेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको नहीं पता आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, साथ वाला आदमी कौन है, आप उसके नज़दीक खड़े हैं, वो बात करते हुए खांसेगा, आपको हो सकता है। आप घर आएंगे, घर में जाके आप कुछ अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, 4 लोगों को हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा, बड़ों को हो जाएगा, वो फिर कहीं पड़ोस में जाके साथ खड़े होंगे, उनको हो जाएगा। हम नहीं जानते कैसे फैल रहा है। 2 नंबर से 4 मार्च को 2 को था, आज 24 मार्च है, 20 दिन में 500 पहुंच गया है नंबर। तो 2 से 500 250 गुना हो चुका है। अगर 20 दिन में 250 गुना हो चुका है, अगर 400 का 250 गुना होगा, तो आप खुद ही सोचिए, 400 का 250 गुना लाखों में होता है। तो 10 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास इस देश में 2-3 लाख, हम चाइना से, इटली से बहुत आगे निकल जाएंगे। ये एक इमरजेंसी है, बहुत ही खास किस्म की इमरजेंसी है। हम में से किसी ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी इमरजेंसी नहीं देखी, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको लगता है कि रोज़ घूमते हैं, क्या है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आप लोगों की सलामती के लिए है। सारे के सारे लोग घर पे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर दिन भर घूम रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बाहर से आए हैं, उनको हिदायत दे रहे हैं कि भैया आप घर से मत निकलो, हो सकता है आपको कुछ हो, अपने पे नज़र रखो। उसको होम क्वारंटाइन बोला जा रहा है, 14 दिन घर में रहिए। अगर आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, हमें बताइए, हम आके यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे।
क्योंकि आप नहीं जानते कि 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख। ये नौबत आए कि लोग बेड में 1000 लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े हों और हॉस्पिटल में सिर्फ 200 की जगह हो या 100 की जगह हो तो इलाज नहीं हो पाएगा। आप वीडियो में सर्च करके देखिए, इटली में, ईरान में, चाइना में मरने वाले लोगों को जनाजे उनके उसमें, कोई मरने वाले को कंधा देने वाला कोई तैयार नहीं है। ये हालत है, ये आलम है वहाँ का। बाहर आना अलाउड नहीं है, लोग डर रहे हैं कि भाई इससे कहीं अगर मैं इनके लिए इनके उसमें गया, जनाजे में गया, तो कहीं मुझे भी वायरस ना हो जाए। ये आलम है इसका। हमारे पास आखिरी रास्ता, आखिरी तरीका यही है। हम 200 से 400 पहुंच गए, आप देखे टीवी में देख रहे हैं, ट्रेनें बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गई। क्यों? आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा सारी की सारी देश में ट्रेन बंद होना? आपने कभी देखा सारी कंट्री में, पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है? 7 बजे का कर्फ्यू किसी ने देखा? नहीं देखा होगा, ये पहली मर्तबा हो रहा है। और अगर हमारे को सलामती चाहिए, आपकी, मेरी, देश की, दुनिया की और जो इंसान की, ये इंसानियत के लिए खतरा है आज की डेट में, तो अगर तो इसके लिए हमें अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, घर में आराम से रहिए। अगर आपको ज़रूरत है, आपके घर में दाल चावल कुछ कम हो गया, खाने की चीज़ कम हो गई, आप सुबह जाके 10-11 बजे जाके दुकान जाके खरीद के ला सकते हैं। उसके अलावा बाहर मत निकलिए। स्कूलों बंद, सारे के सारे देश में, पूरी दुनिया में स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चों की तालीम 2 महीने 6 महीने के बाद हो जाएगी, तो वायरस खत्म हो जाएगा। हमें नहीं पता ये वायरस कब खत्म होगा। इसका इलाज आज निकलेगा, कल निकलेगा, 2 महीने निकलेगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम नहीं चाहते, सरकार ने नहीं चाहती कि भाई महीने में लाशें बिक जाए इस देश में, जैसा बाकी जगह हो रहा है। और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, जो यंग लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, सर्च करके देख लीजिए, जानकारी पूरी आया है उसमें। जिन्हें नहीं मालूम है, जो नेट वगैरह नहीं जानते, टीवी नहीं देखते, उन्हें ये बात समझाइए, बताइए। और जो लड़के जोश में हैं, जिनको रात को या शाम को बाहर निकलने की आदत है, उन्हें बताओ, एक लड़का बाहर जाएगा, किससे मिलेगा, कहाँ जाएगा, अपने घर में बीमारी लेके आएगा, पूरे घर को तबाह कर लेगा, पूरे घर को नहीं, पूरे मोहल्ले को तबाह करना। मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह का आप स्टेप्स लें कि ये बात सबको समझाएं। आप लोग जब दुकान में दूध लेने जाते हैं, मैंने अभी देखा मेडिकल शॉप है यहाँ पे, बिलाल मेडिकल शॉप बोल के यहीं बगल में है, उन्हें मैंने समझाया, भाई दुकान तुमने खोल रही है मेडिकल, 15 लोग खड़े हैं साथ साथ में, तुम्हें क्या पता उनमें से अगर किसी को बीमारी हो? आपको क्या मालूम कोई कल ही लंदन से आया हो या दुबई से आया हो और अपने अंदर ये वायरस लेके घूम रहा हो? वो 15 लोग आज रात बीमार हो जाएंगे, उसकी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दुकानदार की जिम्मेदारी भी है, मेडिकल शॉप तो खोल लिया, लेकिन क्यों लगाओ? आप लोगों को लाइन में खड़ा करो, 3-3 फुट के दूर पे खड़ा करो। आप वीकली बाजार जाके देखिए कल क्या हालत थी वहां पे, 200-300 लोग घूम रहे थे वहां पे। आज हमने वहां पे लाइनें लगाई हैं, दूर दूर लोगों को खड़ा किए, म्यूनसिपैलिटी, गवर्नमेंट, कलेक्टर साहब, रेवेन्यू, पुलिस, मेडिकल हेल्थ, हर आदमी इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर पब्लिक नहीं समझेगी तो ये रुकने वाला नहीं है। तो इसको आप एडवाइस समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, वार्निंग समझ लीजिए। इस हालात में अगर शाम को 7 बजे के बाद कोई निकलेगा तो उसकी गाड़ी सीज हो जाएगी, उस पर केस बुक होगा, इसमें क्लियर है, किसी तरह की कोई दोहरा नहीं। एक आदमी की हम नासमझी से करोड़ों लोगों की जान को हम खतरा नहीं दे सकते। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा काम है ड्यूटी करना, हमारा काम है। 4 आदमी अगर मिलके आते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, बाइक में मस्ती करते हैं, वो 4 लाख लोगों को, उनकी गलती से 4 लाख लोगों की जान जा सकती है कल आने वाले वक्त में। देखिए आप एक बार नेट पे सर्च करिए इटली और चाइना में कैसे बढ़ा है। पहले हफ्ते में 10, दूसरे हफ्ते में 400, तीसरे हफ्ते में 5,000, चौथे हफ्ते में 50,000, ऐसे बढ़ा है। अभी हमारे यहाँ पे दूसरा तीसरा हफ्ता चल रहा है। इसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं स्टेज नंबर 2 है। अगर हम लोग स्टेज 3 में गए तो ये कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये 20-30-40 हज़ार में गया तो इंडिया की आबादी इतनी है, इटली में 3 करोड़ की आबादी है, हम लोग 133 करोड़ है, 133 करोड़, वो वहाँ पे 50,000 को हो गया, तो यहाँ हिसाब लगाइए, उनसे हम लोग 100 गुना ज़्यादा है। तो अगर 50,000 है तो यहाँ 5 करोड़ को हो जाएगा, घर घर में पहुँचेगा। इसको एक स्पेशल बात लीजिए, जिंदगी में 100 साल में ऐसा एक महामारी एक बार आती है, उससे लड़ना हमारा काम है। अपनी समझ से अपनी आदतें बदल के हम कर सकते हैं। अगर वैसे ही चलता रहेगा कि जैसे सिलसिला चल रहा है तो 2 हफ्ते के बाद सब लोग पछताएंगे, हर एक घर में ये बीमारी घर घर में पहुंच जाएगी। दूसरा, अगर आपके आसपास में कोई अभी पिछले 15 दिनों के अंदर कोई बाहर से दूसरी कंट्री से आया होंगे ऐसे बहुत लोग, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे आप थोड़ा मिलना जुलना कम करो और उनसे थोड़ा उनको घर से मत निकलने दीजिए। क्योंकि जो आदमी, आज ही हमने 2 लोगों पर केस किया है, कल हमने 515 गाड़ियाँ जो हैं सीज करी हैं, टोटल 515 गाड़ियाँ, क्योंकि लोग फिर रहे थे। और सुबह अगर आप जाते हैं सब्जी लेने कुछ करने तो उस टाइम भी एक गाड़ी में 2 से ज्यादा नहीं हो,
गाड़ी मतलब फोर व्हीलर में और एक मोटरसाइकिल में एक से ज्यादा आदमी ना हो, कम से कम जाइए। जब जरूरत पड़े कि भाई घर में सब खत्म है, सामान लेने जाना ही पड़ेगा, तभी जाइए। बिना बात के रोज निकल की आदत बदल दो, नहीं तो ये देश जो है बहुत पछताएगा। हम लोग अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे हैं, सबकी फैमिली सबके परिवार भी घर पे हैं, फिर भी पूरी रात पुलिस गश्त लगा रही, किसके लिए एक बात सोचिए। इसमें किसी को तकलीफ देने वाली बात नहीं है, तकलीफ सबको है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो आज इंसानियत खतरे में है, आप अगर आप, मैं बढ़ा के बात नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, हर आप टीवी खोल के देखिए, किसी चैनल पे, हर चैनल पे यही बात हो रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग सपोर्ट। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकी आंखों से बादल, आज हट जाएगा चांद, तेरी आंखों में बंदिया चल के आएगा। बंदे आ, बंदे आ, रे बंदे आ, राह पे चल बंदे।